आपने बहुत बार सुना होगा कि खाने की ये कुछ चीजें हैं जो साथ में नहीं खानी चाहिए। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि दूध और मछली साथ में नहीं खाना चाहिए, दूध और केला साथ में नहीं लेना चाहिए। अब क्या ये बातें वाकई सच हैं? क्या वाकई इन चीजों को साथ में नहीं लेना चाहिए? अच्छा, कई बार लोग कुछ ऐसी चीजें साथ में खा लेते हैं जो उन्हें पता नहीं होता पर उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं होती है, यानी वो फूड कॉम्बिनेशन जिनको लेकर लोगों के मन में हमेशा सवाल रहते हैं। आज उन सारे सवालों के जवाब जानते हैं, एक्सपर्ट से जानते हैं उन चीजों के बारे में जिनको साथ में खाने से लेने के देने पड़ जाते हैं। बर्गर, चीज, फ्रेंच फ्राइज या आपकी पूरी, कोई भी तला हुआ चीज या कोई भी फैटनिंग चीज, शुगरी चीज, अगर आप सोडा से कंबाइन करते हो, कोल्ड ड्रिंक से कंबाइन करते हो, तो ये बहुत गलत है, क्योंकि सोडा या आपके जो कार्बोनेटेड बेवरेजेस हैं उनका पीएच लेवल न्यूट्रलाइज होता है, एल्कलाइन की तरफ होता है। लेकिन जब आप अपना वो वाला खाना खाते हैं तो हमारे सिस्टम को एसिटिक जूसेस चाहिए होते हैं, तो दोनों जब आप इकट्ठे लेते हैं तो इंडाइजेशन हो जाता है, नंबर वन। नंबर टू, अगर आप कार्बोनेटेड बेवरेजेस, चाहे वो आपका जीरो कैलोरी हो, अगर आप सोडा साथ में लें और कैलोरीज साथ में लें, तो डेफिनेटली एक तो आपके लीवर को डाइजेशन में बहुत प्रॉब्लम होगी, आपका शुगर स्पाइक अप हो जाएगा और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है। तो ये चीजें मत करो, ये हाईली हाईली एक मिसकंसेप्टेड थ्योरी है। दूध के साथ या जूस के साथ अगर आप दवाई लेते हैं तो गलत करते हैं। दवाई सिंपल आपको पानी के साथ लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप जूस या दूध के साथ लेंगे तो हो सकता है आपके कैल्शियम ब्लॉकर्स हो या आपका डाइट एंड ड्रग इंटरैक्शन हो, और ये सब एसिडिक मीडियम जो चीज़ें हैं वो आपके एक्चुअली डाइजेस्टिव सिस्टम को हैम्पर करें। सो ये सब करेंगे अगर दूध या जूस के साथ आप दवाई लेंगे तो आपकी जो दवाई है वो ब्लड स्ट्रीम में घूमती रहेगी, आपको उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा और नुकसान हो जाएगा वो उल्टा। सो पानी के साथ लीजिए। क्यूकम्बर्स यानी कि खीरा विटामिन सी में रिच है, डीकम्पोजिंग एंजाइम माना जाता है, और बाकी वेजिटेबल्स का विटामिन सी जो है वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, उसको नष्ट कर देता है। टमाटर भी विटामिन सी में बहुत ज़्यादा रिच होता है, सो आपके 100 ग्राम में आराम से आपको 130 mg विटामिन सी मिल जाता है। सो इसीलिए दोनों को इकट्ठे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि डीकम्पोजिंग एंजाइम क्या करेगा, आपको गैस, फ्लैटुलेंस ये सब देगा। लेकिन अगेन ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, कई लोगों को खीरा टमाटर इकट्ठे खाते हैं, उनको गैस नहीं होता, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, पर हाँ कई लोग इनको फ्रूट और वेजिटेबल की कैटेगरी में दोनों को अलग अलग मानते हैं, टमाटर को फ्रूट में और खीरे को वेजिटेबल में। सो वो आपकी मर्जी है, आपका क्या बिलीफ है, लेकिन अगर आपको ये सूट नहीं हो रहा, आपको गैस है, तो डेफिनेटली दोनों को अलग अलग खाना चाहिए, क्योंकि दोनों का एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी भी अलग है और इनका डाइजेशन टाइम भी अलग है। खाने के तुरंत बाद फ्रूट खा लें या सलाद खा लें या खाने से पहले, ये क्वेश्चन हमेशा माइंड में रहता ही है और हम लोगों को बहुत डिस्टर्ब करता है। चलिए कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं। अगर आप खाने के पहले सलाद या फल खा लेते हैं तुरंत पहले, तो डेफिनेटली आपको फुल फील होगा, सटाइटी आपका जल्दी आपको फील होगा और आप अपने खाने के न्यूट्रिशनल वैल्यू को कम कर जाएंगे, राइट? सो आपको तुरंत पहले भी नहीं लेना चाहिए। आपको अगर सलाद या फल ऐसा कुछ भी लेना है तो मिड मील, यानी कि आपका एक डेढ़ घंटा या दो घंटे का गैप जरूर होना चाहिए। वैसे ही अगर आप खाने के बाद, मतलब कई लोग ऐसे करते हैं मीठा खा लेते हैं, तो खाने के बाद तुरंत ही आम ले आ या सेब ले आ या मीठा कोई फ्रूट ले आओ, तो ये भी गलत है। आप अपने खाने को इजिली डाइजेस्ट होने दीजिए। अगर आप उसके फल का मीठा कंबाइन कर देंगे तो दोनों की डाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो अलग अलग है, और जो शुगर है वो बहुत जल्दी रिलीज हो जाता है, तो खाना तो पचने में टाइम ले रहा है लेकिन फल जल्दी डाइजेस्ट हो गया, तो उसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है। खाने में आपको ऐसा लगेगा कि खाना खाया और एसिडिटी हो गई, पर आपका कॉम्बिनेशन गलत है। सो अगर आप खाने के बाद भी कुछ फल खाना चाहते हैं तब भी डेढ़ या दो घंटे का अंतर जरूर होना चाहिए। बनाना और
मिल्क अगर आप साथ में लेते हो तो आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग अग्नि को फर्क पड़ता है जो हमारे शरीर में है, और ये टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करता है, साइनस कंजेशन करता है, कोल्ड कफ करता है। और बनाना बेसिकली हम खट्टी कैटेगरी में लेते हैं और जो मिल्क है वो स्वीट कैटेगरी में जाता है। सो अगर हम दोनों को इकट्ठा लेते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम होती है और नेगेटिव रिएक्शंस होते हैं। ये आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग है, पर हर एक बॉडी अलग है। कई लोग बनाना शेक लेते हैं और उनको बहुत अच्छा सूट करता है, कई लोग बनाना रायता भी लेते हैं। सो आयुर्वेदा बिल्कुल सही है अपनी जगह पे, लेकिन अगर आपके बॉडी टाइप इस चीज को डाइजेस्ट करता है कॉम्बिनेशन को, देन यू कैन से यस टू इट। दूध और संतरा साथ में लेना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो संतरा है वो विटामिन सी में भरपूर है और जो मिल्क है वो बहुत लंबा टाइम लेता है डाइजेस्ट होने के लिए। लेकिन अगर कोई पर्सन बहुत अच्छे से इसको डाइजेस्ट कर लेता है और कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो ऑरेंज रायता खाते हैं, तो कोई बात नहीं। लेकिन आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग कोएगुलेशन हो जाता है और दोनों हार्ट बर्न और गैस कर सकते हैं अगर ऑलरेडी किसी का वीक डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो दूध हमारे बॉडी को ठंडा रखता है और फिश में एक हीटिंग इफेक्ट होता है। तो अगर हम फिश और मिल्क को इकट्ठे खाते हैं तो साइंटिफिकली इन दोनों में ही प्रोटीन्स भी बहुत ज़्यादा है और दोनों के लिए डाइजेशन एंजाइम्स बिल्कुल अलग हैं जो इनको ब्रेक डाउन करते हैं। तो इसीलिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे थोड़ा लोड पड़ता है। अगर ये कहें कि क्या दूध के साथ मछली खाने से स्किन खराब हो जाती है, तो ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, पर हाँ क्योंकि दोनों प्रोटीन से भरपूर हैं तो आपको गैप में ही लेने चाहिए, अदरवाइज आपको ब्लोटिंग, गैस, फ्लैटुलेंस ये सब हो सकता है। खाने के साथ पानी पीना चाहिए? एकदम से खांसी आ जाती है, गले में खाना फंस जाता है, तो हाँ तब उसको डाउन करने के लिए या उसको सॉफ्ट करने के लिए, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए पानी थोड़ा सा पीना चलो जायज़ है। लेकिन खाने के साथ पानी, चाय, कॉफ़ी कुछ भी नहीं लेना चाहिए। लिक्विड और सॉलिड फूड में गैप ज़रूर होना चाहिए। अगर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं तो हमें जो खाना पचाने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए, जूसेस चाहिए, वाटर उसको एल्कलाइन कर देगा। सो खाने के साथ पानी नहीं और चाय कॉफ़ी इसलिए नहीं क्योंकि वो आयन को एब्जॉर्ब नहीं होने देगा। सो अपनी आदतें सुधार लीजिए। उम्मीद है डाइटिशियन श्रेया की बातें सुनकर आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। देखिए, सबका शरीर अलग होता है, अलग अलग तरह से रिएक्ट करता है। हो सकता है आपको जो सूट करता है वो किसी और को ना सूट करे, इसलिए जो फूड कॉम्बिनेशन डाइटिशियन श्रेया ने बताए हैं उन पर गौर करिएगा। हो सकता है आपको पता भी ना हो और आप ये गलतियाँ कर रहे हैं।